वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब भाई। उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आप सब भाइयों को लेकर आया हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि सोलर के रेट कम हो चुके हैं, सोलर के रेट इतने कम हो चुके हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए जो भाई सोलर खरीद रहे हैं, इस बात का ध्यान में रख कर सोलर खरीदें कि सोलर के रेट में इंतहाई कमी आ चुकी है। तो आज मैं सब भाइयों को बताऊंगा कि 185 वाट की प्राइस नहीं क्या आ चुकी है, और 250 की और 550 की नई प्राइस क्या आ चुकी है। तो इसलिए जब आपने मार्केट में जाना है तो इस वीडियो को मद्देनज़र रख के आपके जहन में बातें जहन नशीन होनी चाहिए कि नया रेट जो है आपने नए रेट के मुताबिक परचेजिंग करनी है। आपके जहन में होकर नया रेट ये आ चुका है, क्योंकि बाद अवत हो सकता मार्केट में आप जाते हैं, नया रेट कोई बंदा इतनी जल्दी शो नहीं करता है, पुराने पर बेचते रहता है और कस्टमर को इतना पता नहीं चलता है। इस वजह से वो जो ख़रीदारी करता है वो महंगी कर लेता है। तो हमारे पास सेल जर्मन की प्लेटें मौजूद हैं स्टॉक में, हमारे पास जो गोदाम में प्लेटें पड़ी हुई हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये हमारा नया माल आया है। तो तीन चार दिन से वीडियो नहीं बना सके हम, कहीं पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे थे। हमने सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है, मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको मुकम्मल उसका व्यू दूँगा कि हमने वहाँ पर इन्वर्टर कौन सा लगाया, सोलर पैनल कौन से लगाएँ, किस तरीके से हमने इंस्टॉलेशन किया, मैं आपको इंशाल्लाह मुकम्मल बताऊँगा। अभी मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास सेल जर्मन की 185 वाट प्लेट मौजूद है, इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, मैं ओरिजिनल प्लेट की पहचान भी बता चुका हूं और एम्पेयर चेक करने का तरीका भी बता चुका हूं। ये आप कहीं भी जाएं मार्केट में एम्पेयर लाजमी चेक करें, और एम्पेयर किस तरीके से चेक करना है वो भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, लाजमन उस तरीके से चेक करें। और मैं अभी आपको बताता हूँ कि 185 वाट की जो प्राइस आ चुकी है इस टाइम पे, पहले इसकी प्राइस आ रही थी 14,800 14,500, अभी इसकी नई प्राइस आ चुकी है जो कल हमारे पास मौजूद स्टॉक भी आया है, और प्राइस जो आई है वो आ गई है 13,800 रुपये भी चल रही है। और होलसेल अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा प्लेट ले तो हम उसे 13,500 की भी हम ये प्लेट दे रहे हैं, यानी कितना है। और इससे बड़ी का बता दूँ, 240 वाट जो है इस टाइम पे उसकी प्राइस जा रही है तकरीबन 18,900 रुपये 18,800 रुपये, जिसकी कीमत तकरीबन 21,000 रुपये थी, क्योंकि वो प्लेट बड़ी है उसकी इस तरह कीमत में कमी हुई है। और बात की जाए 550 वाट की, तो 550 वाट तकरीबन पहले रेट था, जो अच्छी प्लेट थी ओरिजिनल जो प्लेट थी उसका रेट था 45,000 रुपये, इस टाइम पे उसका रेट हो चुका है 41,400 रुपये। जी हाँ, सिर्फ 41,400 रुपये उसका रेट हो चुका है 550 वाट की प्लेट का, जो इंतहाई रेट गिरे हैं और सोलर की मार्केट में इंतहाई कमी हुई है। और जिस जो भाई लेना चाहते हैं वो इस चीज़ को मद्देनज़र रख के सोलर की ख़रीदारी करें ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। अभी बात करते हैं इन्वर्टर की, जो इन्वर्टर हमने तकरीबन पिछले महीने परचेज़ किया था 1,65,000 रुपये का, और तकरीबन हमें होलसेल पे पड़ गया था 1,62,000 रुपये का। अभी मार्केट में उसकी नई कीमत आ चुकी है 1,55,000 रुपये, जो हमें तकरीबन पड़ जाएगा 1,52,000 1,51,000 में हमें पड़ जाएगा। जो 3 KV का यानी कि इन्वर्टर था 3 KV का, हमें 1,51,52,000 में अभी पड़ रहा है, और मार्केट में उसकी कीमत 1,55,000 रुपये, 1,65,000 से 1,55,000 रुपये उसकी कीमत आई है, यानी कि उसकी कीमत में कमी हुई है। तो आप इस चीज़ की 4 KV के साथ भी कमी हुई है, 5 KV के साथ भी कमी हुई है। तो आपने मार्केट में वो भी चीज़ मद्देनजर आके खरीदारी करनी है कि इन्वर्टर में और प्लेट में इंतहाई कमी हुई है। इसके अलावा बात की जाए एक्सेसरी की, क्या एक्सेसरी भी कम हुई है या नहीं हुई? हाँ जी हाँ, जो बड़ी एक्सेसरी हैं यानी कि मोटी चीज़ें हैं, यानी कि 10 mm वायर 15 वायर वो इंतहाई ज़्यादा कम हुई हैं सोलर की मार्केट में, ये कमी हुई है, बहुत ज़्यादा कमी हुई है। और एक्सेसरी भी जब आपने ख़रीदनी है तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि एक्सेसरी भी हमारी कम हो चुकी है। इसके अलावा आपके लिए खुशखबरी यह है कि सोलर पैनल का जो रेट है मज़ीद नीचे आ रहा है, यानी कि जो एक रेट की प्लेट हमारे पास पहले थी 550 की, यानी कि उसका रेट था 48,000 रुपये, वो गिर के अभी आ चुका है 41,000 रुपये पे आ चुका है, रेट मज़ीद नीचे आ रहे हैं। आप जिन लोगों ने ज़्यादा ख़रीदारी करनी है वो चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं, मार्केट विज़िट करके और अपना जेब देख कर ख़रीदारी करें, रेट मज़ीद नीचे आने के इम्कान हैं। अभी बात करते हैं जो 3 KV पहले लागत आ रही थी, वो तकरीबन आ रही थी 6,25,000 ए ग्रेड की। ये मैं सारे आपको ए ग्रेड के रेट बता रहा हूँ, जो अभी ए ग्रेड पे रेट कम होने के बाद खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 5,80,000 के करीब, तकरीबन खर्चा आ रहा है, रेट जो कम हुए हैं इतना फ़र्क पड़ चुका है। और 5 KV पे जो हमारा फ़र्क पड़ा है वो तकरीबन 5 KV पे ए ग्रेड का हमारा खर्चा आ रहा था 8,90,000 रुपये सारी ग्रेड ए ग्रेड का, अभी तकरीबन उसका खर्चा हो चुका है 7,30,000 रुपये ए ग्रेड का, 5 KV पे खर्चा हो चुका है। 5 KV का इन्वर्टर पहले मार्केट से हमने ख़रीदा था जी तकरीबन 2 माह पहले, 1,90,000 रुपये का ए ग्रेड का जो हमने ख़रीदा था, अभी उसका रेट आ चुका है 1,70,000 रुपये, नया रेट उसका मार्केट में आ चुका है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास कल ही आई है, मैंने कहा आप सब भाइयों से शेयर कर दूँ ताकि आप खरीदारी करते वक्त आपके जहन नशीन ये बातें होनी चाहिए कि यार रेट कम हो चुका है, हमें मार्केट में ये रेट मिल सकता है, क्योंकि बंदे के बहुत वो गुमान भी नहीं होता है। आप मार्केट में लेने जाते हैं 1,90,000 रेट था तो आपके जहन में होगा यार हाँ हमें 1,85,000 ये दे रहा है तो सस्ता दे रहा है, लेकिन नया रेट जो 1,70,000 रुपये उसका आ चुका है। आपने ये बातें जहन नशीन करके रखनी है। और इसके अलावा आपको एक और बात बताऊँ जो बहुत ज़्यादा अहम बात है कि अभी मार्केट में इस वक्त ए ग्रेड की जो प्लेट है और बी ग्रेड प्लेट है पहचानना बहुत मुश्किल है,
तो इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन के लिए ये बता रहा हूँ कि आप जब भी प्लेटें लेने जाएं अपने साथ कोई एक्सपर्ट बंदा लेके जाएं, कोई इलेक्ट्रिशियन लेके जाएं जो वहाँ पे मीटर लगा के सारी इन्फॉर्मेशन चेक करो, आपको चेक करके बता सके कि यार हाँ ये प्लेट ओरिजिनल है। क्योंकि ए ग्रेड और बी ग्रेड में ऐसा फ़र्क आ चुका है तो हमारे लिए भी पहचानना ये चीज़ मुश्किल हो चुकी है कि ए ग्रेड कौन सी और बी ग्रेड कौन सी है। इसलिए ऐसा एक्सपर्ट बंदा लेके जाएं जिसके पास मीटर हो, सोलर का एक्सपर्ट बंदा हो, जो वहाँ पर जाके मौके पर आपको बता सके कि ए ग्रेड प्लेट ये और ये बी ग्रेड प्लेट है। और इन्वर्टर का भी यही हालात चल रहे हैं मार्केट में, आपको पता है कि हर चीज़ मुतबादल उन्होंने एक चीज़ बना दी है। इन्वर्टर भी चेक करते हुए आप चेक तसली से करें कि ये ए ग्रेड है या बी ग्रेड है, उसके बाद खरीदारी करें। इसके अलावा आपको बता दूंगा हमारे पास सेल जर्मन लोंगी और समथिंग और भी दो तीन कंपनी है जो लोकल हैं वो भी है। तो सेल जर्मन लोंगी जो ओरिजिनल ए ग्रेड हमारे पास मौजूद है, इसके अलावा हमारे पास दो तीन स्टॉक मौजूद है जो हो जाते हैं यानी कि लोकल टाइप में आ जाते हैं, वो भी हमारे पास मौजूद है। सेल जर्मन 185 वाट का इस टाइम पर आप सबके लिए आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 13,500। और इसके बाद हमारे पास मज़ीद स्टॉक आने वाला है और हमें यह भी खबर आ चुकी है कि रेट मज़ीद गिरने वाले हैं। जैसे ही नया रेट आएगा आप सब एक को शेयर कर दूंगा और लोंगी का नया रेट जो आएगा आपको वो भी शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा 250 वाट 330 वाट जैसे जैसे हमारे पास नए रेट आएंगे मैं आप सब भैया के साथ शेयर कर दूंगा। ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शान इलेक्ट्रिक स्टोर, बहुत शुक्रिया।